क्या आपको भी लगता है कि स्टोरी टेलिंग का मतलब होता है सिर्फ वर्ड्स के साथ खेलना, सिर्फ वर्ड्स को ऑडियंस के सामने रखना? अगर आपको भी लगता है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 7 बॉडी लैंग्वेज सीक्रेट्स जो मास्टर स्टोरी टेलर यूज करते हैं अपनी ऑडियंस को कैप्टिवेट करने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। वेल, हो सकता है आपने भी सुना हो ये मिथ कि सिर्फ वर्ड सिर्फ 7% यानी सिर्फ 7% आप जो बोलते हैं सिर्फ वही कम्युनिकेशन का पार्ट होते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। अगर आपको कभी टाइम मिले तो रिसर्च अबाउट मेहरेबियन मिथ। बट एक चीज इसमें बहुत ही साफ है कि जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से आप बोलते हैं, हाउ यू से समथिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 7 बॉडी लैंग्वेज सीक्रेट जो कि अगर आपने सीख लिया, अगर आपने मास्टर कर लिया तो योर ऑडियंस विल बी लाइक वाओ, मुझे भी जानना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको आज एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, शायद आपको ठीक लगे। वर्सेस, हे गाइस, मैं आपको आज एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसको सुन के आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। इस केस में आप ज्यादा एक्साइटेड होंगे। देयर इज अ वेरी गुड चांस कि सेकंड केस में, क्योंकि 2 reasons। नंबर 1, मेरा पोस्चर ज्यादा स्ट्रेट था और दूसरा मेरे चेहरे पे एक्साइटमेंट था। तो दिस इज सीक्रेट नंबर 1 which has got nothing to do with the words, but it has got to do with your posture and your facial expression. So secret number 1 is the master storytellers know what postures and what facial expressions to use while delivering their stories. So let's move on to secret number 2. Main sadak pe ja raha tha aur tabhi maine ek doggy ko dekha aur maine suddenly brake lagaya. Versus main apni gaadi drive kar raha tha, bahut hi aaram se music chal raha tha aur tabhi maine dekha ek doggy aaya aur maine zor se brake mara. Kis scenario mein aap zyada impressed honge, zyada excited honge? Of course, most likely scenario 2. And उसका reason है मैंने functional gestures use किए, मैंने break के लिए ऐसे किया। That is the secret number 2. जो master storytellers होते हैं, वो सिर्फ बोलते नहीं हैं, वो functional gestures का use करते हैं। अगर उनको कोई ball मिल गई, तो वो सिर्फ मुंह से ball नहीं बोलेंगे, वो आपको visualize कराएंगे। They will paint the things with their gestures. They will paint a picture in your mind. So second secret master storytellers का है कि they use functional gestures. Let's move on to secret number 3. कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप किसी स्टोरी टेलर्स को, किसी प्रेजेंटर को अटेंड कर रहे हैं, सेशन अटेंड कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये बात किससे कर रहा है? ये दीवालों से बात कर रहा है कि जमीन से बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है? बहुत टाइम पहले मैं अपने डॉटर के स्कूल में गया था, एक पेरेंट टीचर सेशन कुछ था और जो प्रेजेंटर थे बहुत अच्छे थे, ही वॉज वेरी नाइस, बट वो फुल टाइम पीछे के पर्दे, जमीन और बाकी सारी चीजें देख रहे थे। मुझे लगा कि क्या इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, क्या ये कुछ छिपा रहे हैं? एंड जो मास्टर स्टोरी टेलर्स होते हैं वो इस सीक्रेट को जानते हैं। दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग द राइट आई कॉन्टेक्ट। आई एम वेरी श्योर यू आर फीलिंग कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे, जी हाँ आपसे, एंड दैट इज वॉट द सीक्रेट इज। राइट स्टोरी टेलर, सो चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो इन पर्सन हो, दे नो कि कैसे आई कॉन्टेक्ट करना है, कैसे एक ऑडियंस सेक्शन से दूसरे ऑडियंस सेक्शन को मूव करना है और कैसे अपने ऑडियंस को फील कराना है, इवन दो वो पूरी जनता है, वो स्टोरी टेलर्स सिर्फ उनसे बात करें। Let's move on to secret number 4. क्या मैं अगर इसी टोन में आपसे लगातार बात करता रहूं तो आपको भी लगेगा कि मैं रोबोटिक हो गया हूं? Exactly. जो स्टोरी टेलर्स होते हैं उनको पता है कि अपनी आवाज के साथ, अपने वॉइस के साथ कैसे खेलना है, हाउ टू डू द वॉइस मॉड्यूलेशन, कहाँ पे उनको अपना वॉल्यूम बहुत ऊपर करना है और कहाँ पे स्लो डाउन करना है, कहाँ पे वो बहुत स्पीड में बोलना है, बहुत जल्दी बोलना है, कहाँ पे उनको बहुत धीरे धीरे बोलना है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। जो स्टोरी टेलर्स होते हैं दे आर द मास्टर ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन, वो अपनी आवाज के साथ खेलते हैं और उस तरीके से अपने ऑडियंस को अंत तक, टिल द एंड, दे कीप देम एंगेज्ड। सो द मास्टर स्टोरी टेलर्स का 4th सीक्रेट है, दैट इज दे यूज वोकल वेरिएशन। नंबर 5, पांचवा जो सीक्रेट है जो कि ये पूरे वीडियो के बारे में है, दैट इज द मूवमेंट। क्या आपने कभी ऐसे स्टोरी टेलर्स को देखा है जो कि पूरा पूरा एक ही जगह पे खड़े होके 5, 10, 20, 25 मिनट बोल जाते हैं? समटाइम आई कॉल देम एज बनी रैबिट्स। मैंने टीचर वॉकल या कहीं से तो सीखा था, देख ही कॉल्स इट बनी रैबिट। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो फुल टाइम स्टेज पे मूवमेंट करते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट, इट्स लाइक दे हैव बिकम अ पेंडुलम। जो मास्टर स्टोरी टेलर्स होते हैं दे यूज समथिंग कॉल्ड मूवमेंट विद पर्पस।
कैसे मूव करना है, क्या पर्पस है। फॉर एग्जांपल अगर आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो मे बी आप ऑडियंस लेफ्ट यानी अपने राइट पे जाएंगे। अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो आप ऑडियंस के राइट यानी कि अपने लेफ्ट पे जाएंगे। अगर आप कुछ पॉजिटिव बात कर रहे हैं तो आप शायद राइट पे जाएंगे, अगर कुछ आप नेगेटिव बात कर रहे हैं तो आप लेफ्ट पे जाएंगे। इस तरीके से कुछ लोग इसको कहते हैं होलोग्राम भी। डैनियल लक्रॉय वर्ल्ड चैंपियन सेज दैट द स्टोरी टेलर्स हैव समथिंग कॉल्ड होलोग्राम। वो ऐसा एक जगह खड़े होकर एक सीन को इतने मास्टरी के साथ प्रेजेंट करते हैं कि वो एरिया सेक्रेट बन जाता है, वो एरिया को होलोग्राम बन जाता है और वो फिर पूरे स्पीच में उस एरिया को रेफर करते हैं। दैट इज द पावर ऑफ लूजिंग द स्टेज। लेट्स मूव ऑन टू सीक्रेट नंबर 6, द सेकेंड लास्ट सीक्रेट, एंड दैट सीक्रेट इज, वीडियो खत्म नहीं हुआ है, दैट सीक्रेट इज टेकिंग राइट पॉजेस। बहुत सारे टाइप के पॉजेस होते हैं, सम ऑफ देम आर स्मॉल, सम ऑफ देम आर लॉन्गर, बट जो मास्टर स्टोरी टेलर्स होते हैं उनको पता है कि पॉज क्यों लेना है, कहाँ लेना है और कैसे लेना है। तो अगर आपको मास्टर स्टोरी टेलर बनना है तो आपको कैसे पॉज लेना है ये भी मास्टर करना होगा। एंड आइए चलते हैं जो फाइनल 7वां सीक्रेट है, विच इज बींग ऑथेंटिक एंड पैशनेट। It should not be a copy of somebody else. Agar if Haritosh is speaking, it should look like Haritosh is speaking, whether you are on stage or whether you meet on the street. It should not be a fake one. So, jo master storytellers hote hain, they are the most authentic storyteller. Chahe aap unse chote se shahar mein milenge, chahe aap unse world stage pe milenge, you will be able to relate them. Chahe aap unko online milenge ya unko in person milenge. You will find they are exactly the same. They are exactly having the same passion, same quality. And that, I believe, is the most critical skill. Because we can all sense who, when, kab fake kar raha hai. If you want to go far, be genuine. So that was the 7th secret. So ye the hamare 7 secrets, 7 secrets. In 7 qualities, in 7 secrets, mein se kaun sa aisa secret tha jo aapka favorite hai aur kaun sa aisa secret hai jo aapko abhi tak pata nahi tha? Please comment mein zarur batayega. I will wait for that. And until next time, as I say every time, keep learning, keep growing and keep going out of your comfort zone. This is Coach Haritosh Srivastava. I'm gonna see you in the next video.